गाइस, मैं हूँ पिंकी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिंकीज पिंकी में, विच इज़ ऑल अबाउट द फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये है अबाउट द समर स्किन केयर इसेंशियल्स के बारे में। चूँकि विंटर्स जा चुके हैं और हमारी जो स्किन होती है वो भी अलग अलग वेदर्स में अलग अलग रिएक्ट करती है, तो हमें उसी के हिसाब से उसको पैम्पर करने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पिंपल्स वगैरह आते हैं, ऑयली हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा। तो मैं कौन कौन से प्रोडक्ट समर्स में यूज़ करती हूँ अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मस्ट में जो सबसे पहले और सबसे इसेंशियल चीज़ है वो है सनस्क्रीन। बिना सनस्क्रीन के घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक की सनस्क्रीन। तो जी हाँ, बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो कैरेट 40+ SPF UVA सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन। जी 40+ SPF है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपको सन रेज से बचाने के लिए आपकी स्किन को। और क्योंकि बायोटिक के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं बहुत लंबे टाइम से बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट बायोटिक प्रोडक्ट्स। तो ये बायोटिक प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। ये पहली चीज़ कि ये आयुर्वेदिक होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन पर कुछ ऐसा हार्श इफेक्ट नहीं डालते। सेकेंड, ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। एंड द थर्ड, दीज प्रोडक्ट्स आर पीटा सर्टिफाइड। मुझे तो बायोटिक प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। तो यस, मैं ये बायोटिक का जो सनस्क्रीन है ये यूज़ करती हूँ समर्स में। मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने लोटस का भी यूज़ किया है, विच वॉज वेरी गुड। मुझे लोटस का भी बहुत पसंद आया था। बट करेंटली आई एम यूजिंग दिस बायोटिक सनस्क्रीन लोशन विच इज़ 40+ SPF। एंड इसमें जो इसका रेट लिखा हुआ है वो है 115 रुपये। मुझे याद नहीं कि मुझे कितने का मिला था, बट यस 115 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये जो पैक है ये आपका है 50 ml का पैक है। एंड द सेकेंड थिंग, समर्स हो या विंटर्स हो या रेनी सीजन हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ के बिना हमारी स्किन बिल्कुल नहीं रह सकती वो है मॉइस्चराइज़र। यस, तो मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं सेम ब्रांड का यूज़ करती हूँ, बायोटिक का। मैं पहले बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर यूज़ कर रही थी, बहुत ही अच्छा था वो। बट करेंटली मैंने अभी बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो कोकोनट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप ये मंगाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये इसका जार है। एंड गाइस, जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना, हल्की कोकोनटी स्वीट स्मेल आती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मैंने मॉर्निंग नेक्टर यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा था। बट ये मुझे उसके कंपैरेटिवली, आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। यू कैन ऑल्सो ग्रैप दीज बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होते हैं और आपके स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं होते। अनदर थिंग है वो है स्क्रब, वो भी मैंने बायोटिक का ही मंगाया है। एज आई टोल्ड यू आई एम ऑब्सेस्ड विद बायोटिक प्रोडक्ट्स। तो येस, मैंने जो स्क्रब मंगाया हुआ है वो है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो वॉलनट प्योरीफाइंग एंड पॉलिशिंग स्क्रब। ये आप देख सकते हो, ये मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम टोटली लव विद दिस प्रोडक्ट। एंड आप इससे इजीली, आप जब भी या हफ्ते में दो बार आप इससे इजीली अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो, एक्सफोलिएट कर सकते हो, डेड स्किन इजीली निकल जाती है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सपल हो जाती है। और यस, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ बहुत लंबे टाइम से। और जब तक मुझे शायद इसका कोई अलग इतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिल जाता तब तक मैं इसको छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ फेस वॉश, तो ये बायोटिक का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बायोटिक के फेस वॉश ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं होते। मैंने बहुत सारे बायोटिक के फेस वॉश यूज़ किए हैं विच वॉज़ वेरी वेरी गुड। बट अभी मेरे को थोड़ा सा चेंज चाहिए था तो मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने हिमालया का ट्राई किया। हिमालया का जो मैं यूज़ कर रही थी इससे पहले वो एलोवेरा वाला जो आता है फॉर द ड्राई स्किन, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मैं उसे यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा था। बट क्योंकि समर्स आ रहे हैं तो मैंने हिमालया का ये वाला फेस वॉश इस बार लिया है, विच इज़ हिमालया टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश वॉशेज अवे टैन। 100 ml का पैक है ये और टैन रिमूवल रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस बार मैंने चेंज करना चाहा थोड़ा सा, तो मैंने ये हिमालया का टैन रिमूवल फेस वॉश इस बार परचेज किया है फॉर माई स्किन। एंड द लास्ट थिंग, क्योंकि हमारी स्किन भले ही समर्स आ रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, सारा कुछ होता है, बट फिर भी हमें नरिशमेंट चाहिए होता है अपनी स्किन के लिए, तो सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने सीरम मास्क शीट मंगाई है। मैंने बहुत सारी मास्क शीट गार्नियर की यूज़ की हुई है। मैं बेसिकली यही इसका यूज़ करती हूँ।
मैं बेसिकली यही गार्नियर का, मैंने इससे पहले ऑरेंज वाला यूज़ किया था एंड नाउ आई हैव परचेज हाइड्रा बॉम बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, तो मैंने ये मंगाया हुआ है. अब मैं इसको यूज़ करूँगी बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं सीरम की बॉटल खरीदूँ इंस्टीड ऑफ दीज शीट्स, बिकॉज दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ दीज प्लास्टिक शीट्स. प्लास्टिक होती है, इसके अंदर भी बहुत सारी प्लास्टिक होती है, ऊपर भी होती है. हम सीरम तो यूज़ कर लेते हैं फेस पे, बाद में जो भी उसका स्क्रैप होता है वो सब कुछ फेंक देते हैं, जो कि हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. तो येस, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं सीरम की बॉटल खरीदूँ. तो येस गाइज, दीज आर द थिंग्स फॉर माई समर एसेंशियल स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो अगर आप भी इसमें से कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको कैसा लगा और आपका रिव्यू उसके साथ कैसा रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. एंड ये था मेरा वीडियो. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम आई डी है @pinkishpinky, विच इज़ सेम फॉर द फेसबुक. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगर मैं ऐसे कोई वीडियोस बनाती हूँ, अगर क्या डेफिनेटली बनाऊंगी, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे. तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, लव योरसेल्फ. बाय बाय.